नमस्कार, होम डेकोरेटर देसी अंदाज में आपका स्वागत है। और आज हम आप देख सकते हो एक कितना खूबसूरत पौधा है। इस पौधे के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और एक कंप्लीट गाइड इसका देखेंगे। तो चलिए लेट स्टार्ट अ वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले तो ये पौधा कितना खूबसूरत है। इसके पत्तों के ऊपर ऐसे ग्रीन ग्रीन चमकदार पत्तियाँ हैं इसकी, और उसके ऊपर ऐसा लगता है किसी ने जो येलो कलर है, गोल्डन कलर है, उसका स्प्रे किया हुआ है। इस टाइप से ये लगता है, बहुत ही खूबसूरत पौधा है। और इस खूबसूरत ब्यूटी का नाम है क्रोटॉन गोल्डन डस्ट प्लांट, इसको कहा जाता है, या जापानीज लॉरेल भी इसको कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये इंडोर प्लांट है। आप इसको इंडोर रख सकते हो, आउटडोर भी रख सकते हो। और इसकी मेन बात है, ये एयर क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ भी है इसमें। ये जहाँ पे भी आप रखोगे, आपकी एयर जो है वो प्यूरीफाई कर देगा, इसलिए इसको इंडोर में भी रखा जाता है। और ये बहुत थोड़ा एक्स्ट्रा केयर इस प्लांट की लेनी पड़ती है, और ये वर्थ भी करता है बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। और इस प्लांट का ये है कि ये बहुत सा स्लोली स्लोली ग्रो होगा, बहुत ज़्यादा मतलब फटाफट ग्रो नहीं होता, ये थोड़ा स्लोली ग्रो होता है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे लाइट रिक्वायरमेंट, जो भी लाइट रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट इसके ऊपर आया हुआ है, मेरे प्लांट के ऊपर। इस तरह से मैं आप इसको बालकनी में भी रख सकते हो और बाहर इंडोर भी रख सकते हो। और लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लाइट उसको मिलना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जो समर का लाइट जो रहता है, जैसे दोपहर में जो भी लाइट्स रहते हैं, वो इसको नहीं चाहिए। नहीं तो आपके जो क्रोटॉन के गोल्डन डस्ट के जो पत्ते हैं वो पीले, बहुत ज़्यादा पीले हो जाएंगे और गिर जाएंगे, मतलब जल्दी जल्दी झड़ जाएंगे। तो एक नॉर्मल लाइट इसको लगता है, ज़रूरी है लाइट भी, तभी तो ये इसके ऊपर के जो गोल्डन डस्ट है वो बनते हैं लाइट में। अगर इसको बहुत मतलब इनफ लाइट नहीं मिलेगा तो ये जो प्लांट है एकदम ऐसा बड़ा बड़ा हो जाएगा, एकदम बड़ा हो, हाइट में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ये घना दिख रहा है ना, ये इस तरह से नहीं दिखेगा, एकदम हाइट में थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और पत्ते जो रहे उसके एकदम ऐसे बिखरे बिखरे हो जाएंगे, मतलब बहुत कम पत्ते रहेंगे इस प्लांट को, अगर आप इसको इनफ लाइट नहीं मिलता है तो। इसलिए उसको ऐसी जगह रखिए जहाँ बालकनी में, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी हवा भी चल रही है और थोड़ा सा लाइट भी आ रहा है, इस तरह से आप इसको रख सकते हो। अब हम बात करेंगे वाटर की, इसको पानी कैसे देना है। सबसे पहले तो किसी भी प्लांट में पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। इस प्लांट को थोड़ा पानी ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो नीचे से, गमले के नीचे से वो निकल भी जाना चाहिए, मतलब आपकी जो सॉइल है वो एकदम वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। इसलिए उसको बाकी सीज़न में एक दिन छोड़ के आप इसको पानी दे सकते हो, और समर सीज़न में आप इसको डेली थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हो। इसको आप ऊपर की मिट्टी अगर सूखती है तो आप इसको पानी देना बहुत ज़रूरी बनता है। अगर आप जल्दी नहीं दोगे पानी तो इस प्लांट के जो पत्ते हैं वो गिरने के चांसेस रहेंगे। और विंटर में ऐसा है कि पानी तो देना है हमको, लेकिन आपने मोस्टली देखा होगा विंटर में पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो वो पानी हम इसको नहीं देंगे एकदम ठंडा। पहले हम उस वाटर को पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर हम इस पौधे को पानी देंगे विंटर में। अब हम बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ये प्लांट को ह्यूमिडिटी बहुत पसंद है। ह्यूमिडिटी के लिए आप इसको थोड़ा सा, मतलब ये जो पत्ते हैं इनके ऊपर आप सब पानी स्प्रिंकल कर सकते हो, हफ्ते में 2-3 बार तो भी आप इसको पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए। और अगर अगर आपने इंडोर रखा है, आपको अंदर बाहर करना, जैसे इस तरह के बड़े बड़े गमले रहते हैं तो अंदर बाहर हम नहीं कर पाते इतना, तो आप इसको बाथरूम में भी थोड़ी देर के लिए रख सकते हो फॉर ह्यूमिडिटी। फर्टिलाइज़र की हम बात करते हैं। फर्टिलाइज़र में हम इसको काउडंग देंगे, या गोबर खाद देंगे, या कंपोस्ट भी हम इसको दे सकते हैं। गोबर खाद जो हम देंगे वो महीने में 2 बार हम दे सकते हैं, या फिर आप महीने में एक बार भी दे दीजिए, अच्छा ग्रो कर जाएगा। और इस प्लांट को थोड़ा एडिशनल केयर की ज़रूरत पड़ती है।
अगर ये प्लांट अगर हम नर्सरी से घर लाते हैं तो उसके काफ़ी सारे मतलब पत्ते जो रहते हैं वो गिर जाते हैं, तो हमको लगता है कि हमने कुछ हमसे कुछ गलती हो गई इसलिए ये पत्ते गिर रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर अगर चेंज हो जाता है थोड़ा सा तो वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में थोड़ा उसका देर लगता है, लेकिन बाद में नए पत्ते भी आ जाते हैं। अगर हम लाइट का और वाटर इसको इसकी जो गाइडलाइंस है जो ये गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं तो ये प्लांट आपका जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर जाएगा। और टॉक्सिसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये जो प्लांट है ये आपके घर में अगर पेट्स हैं छोटे बच्चे तो उनसे ज़रा दूरी रखिए, क्योंकि ये थोड़ा टॉक्सिक प्लांट है। अगर ये इंजेस्ट हो जाता है तो आपको माउथ इरिटेशन होगा और स्टमक में भी इरिटेशन होगा, और हो सकता है पॉसिबल आपको वोमिटिंग भी हो जाए, तो इसको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। आज में हम बात करेंगे प्रोपोगेशन की। प्रोपोगेशन इसका जो रहता है वो बाय कटिंग से होता है। आप इसकी जो टहनी रहती है मोटी टहनी लेके इसको कट करके आप इसको दूसरे गमले में लगा सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से ग्रो भी हो जाता है। रेनी सीजन में अगर आप इसको कट करके लगाते हो तो बहुत ही अच्छे से काफ़ी सारे प्लांट ग्रो होते हैं रेनी सीजन में। अब हम बात करते हैं सॉइल की। सॉइल जो है वो वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन सॉइल के लिए हम सबसे पहले तो गार्डन सॉइल लेंगे, उसमें सैंड डालेंगे और कोकोपीट डालेंगे, गोबर खाद डालेंगे। जैसे 60-70% हम सॉइल ले ली हमने तो 20-30% हम इसमें सैंड डाल देंगे, ताकि जो वाटर होगा पॉट में, जो भी हम पॉट में वाटर डालेंगे वो सारा नीचे से निकल जाना चाहिए, इसलिए हम इसमें रेती मिलाते हैं। और हम इसमें कंपोस्ट मिला सकते हैं, गोबर खाद भी मिला सकते हैं, और इस तरह से अच्छे से सॉइल का मिश्रण तैयार करके हम इसमें अगर पौधा लगाते हैं इस तरह का तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत घना बन जाता है। और इसका आप देख सकते हो ये कटिंग करते जाना है ताकि ये काफ़ी घना बनता है। फिर देखिए इस तरह से थोड़ा, नहीं तो अगर आप उसको कटिंग नहीं करते रहेंगे ना तो वो ऐसा लंबा लंबा हो जाएगा और पतला दिखे, उसके पत्ते भी जो है वो भी कम दिखेंगे। और डिसीजेस की अगर बात करते हैं तो इसमें मिलीबग्स आ जाता है, वो वाइट कलर का रहता है। ये देखिए यहाँ पर मेरे यहाँ है एक, तो उसमें कोई इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, वो हम वाटर की हेल्प से निकाल सकते हैं। वाटर बस आप स्प्रिंकल कर दीजिए और अच्छे से हाथ से निकाल दीजिए, हाथ में कुछ कपड़ा वगैरह लेके, या फिर आप इसको सोप सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर किया नहीं है तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी अगला वीडियो रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। थैंक यू सो मच।